मैं कब से इंतजार कर रही थी तेरा, अब आई है तू। 10 मिनट का रास्ता है तेरा, फिर भी। बस मम्मी, जैसे नीचे उतरी ना तैयार होके, तो देखा कि पापा जी के दोस्त आए हुए थे होली की बधाई देने के लिए। फिर उनको चाय नाश्ता देने में लग गई। फिर जैसे ही निकल ले कोई, फिर दूसरे दोस्त आ गए, फिर उनको चाय नाश्ता दिया। फिर तो मम्मी, मैं ना मम्मी से बोल कर आ गई कि मम्मी मैं तो जा रही हूँ। मम्मी भी बोली तू फटाफट निकल ले, नहीं तो कोई ना कोई फिर आ जाएगा होली की बधाई देने। मैं तो आ गई फिर। वो तो है, तीज त्योहारों पे ना लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। भाभी पियो नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई है? पता नहीं दीदी, अभी तो यहीं खेल रही थी, हो सकता है ऊपर खेल रही हो कमरे में। उसे पता नहीं है कि आप आई हुई हो, उसे पता होती ना कि आप आ रही हो तो यहीं होती आपके पास। भाभी बुला के ले आओ उसे, और बताना मत कि मैं आई हूँ। ठीक है दीदी, मैं बुला के लेके आती हूँ उसे। और आप सुनाओ मम्मी? बस चल रही है गाड़ी। तो ये बैग में क्या ले आई? ये अभी बताती हूँ। देखो देखो कौन आया है। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते मेरा बेटा, कहाँ थी तू अभी तक? पता है मुझे कितनी देर होगी आए हुए? अब जल्दी से हैप्पी होली बोल दो बुआ जी को। हैप्पी होली बुआ जी। हैप्पी होली मेरा बेटा। देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। मेरे लिए? जाओ देखो। ये देखो मैं आपके लिए क्या क्या लेके आई हूँ। ये चिप्स, और ये, और ये आपकी चॉकलेट है ना, और एक ये आपको पसंद है ना, ये वाला भी पसंद है ना वेफर्स आपको, ये देखो। ठीक है, और ये आपकी खट्टी मीठी गोली, ये भी पसंद है ना आपको। ठीक है, संभाल के लेके जाना। दीदी इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी, आप तो बहुत सारा सामान ले आए। देखो भाभी आप है ना मुझे टोका मत करो, मेरी एक ही तो भतीजी है, इसके लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? पता है भाभी मुझे ना पीहू में अपना बचपन नज़र आता है, जब इसके चेहरे पे स्माइल आती है ना तो मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, उस खुशी का ना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती हो। अच्छा बाबा सॉरी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आपको जो लाना है वो ले आओ अपनी भतीजे के लिए, और खूब बिगाड़ो इसे। पसंद आया पीहू? हाँ बुआ जी बहुत अच्छा है। अब आपने ये सब ले जाओ अपने रूम में। ठीक है, ये चलो आपने इसको इस थैले में डाल लेना। ठीक है, ये मैं आपके लिए ना ऑरेंज और ये भी लेके आई थी ग्रेप्स, इसमें डाल लो आप सारा। ठीक है, और ये लो, और आप इसे ले जाओ अपने रूम में और खेल लो। ठीक है, ठीक है, अब तू जा खाने की तैयारी कर ले। ठीक है मम्मी जी। भाभी रुको। हाँ जी दीदी, मैं आपके लिए भी कुछ लेके आई हूँ। मेरे लिए? ये देखो, ये आपका होली का गिफ्ट, हैप्पी होली। होली का गिफ्ट? हाँ, जैसे दिवाली का नए साल का गिफ्ट होता है, ऐसे ही आपका होली का गिफ्ट, हैप्पी होली दीदी। और ये सेट वाकई में बहुत सुंदर है। कितनी खुश हो रही है, शर्म नहीं आती जरा से भी उनसे सामान लेते हुए। हाँ ऐसे सूखी सूखी हैप्पी होली से काम नहीं चलने वाला, अब तू भी निकाल के ले आ इसके लिए कुछ सूट साड़ी। गिफ्ट तो बड़ी जल्दी रख लिया तूने। मम्मी जी, हाँ वो मम्मी जी कैसे बात कर रही हो? मैं क्या यहाँ सामान बेचने आई हूँ, जो सामान के बदले सामान लेकर जाऊंगी? और भाभी कोई जरूरत नहीं है कुछ देने की, ये तो मैं अपनी खुशी से लेके आई हूँ। और मम्मी भाभी ने थोड़ी कहा था मुझे ये सब लाने के लिए। और मम्मी कौन सी सदी में जी रही हो आप, अब वो टाइम नहीं है जो आपके और बुआ जी के टाइम में था कि बुआ एक लेके आएंगी तो आप उनको 5-5 करके दोगी। अब आप ही देख लो बुआ बेचारी कितनी आप आती है यहाँ पर इस लेन देन के चक्कर में, और आप कितना बुला के राजी हो उनको। बुआ जी आने की कह देना तो आपके माथे पे सिलवटे पड़ जाती हैं कि फिर आ गई लेने के लिए, अब फिर देना पड़ेगा उनको। और भूल जाओ वो सब, मैं कम से कम अपने और भाभी के बीच में ये सब नहीं होने दूंगी, खुशी खुशी आऊंगी और खुशी खुशी जाऊंगी। ना मैं खुद भाभी को ये देने के बंधन में रखूंगी और ना खुद लेने के बंधन में रहूंगी। ठीक है ना, आप चाहे बुरा मानो या भला मानो, जो आपने और बुआ जी ने भुगता है ना वो हम नहीं भुगतेंगे। ठीक है ना भाभी? बेटा मुझे तो बड़ी खुशी हुई तेरे मुंह से ये सब सुन के। अरे लोग आजकल यूं ही कहते हैं कि नई पीढ़ी को रिश्ते निभाने नहीं आते,
पर तूने तो हमारी पुरानी पीढ़ी को एक नया ही सबक सिखा दिया। तुम तो हमसे भी होशियार निकले। अरे हम तो ये लेन देन के चक्कर में ही बंद कर रह गए। कितने रिश्तेदारियों में तो आना जाना ही नहीं हो पा रहा इस लेन देन के चक्कर में। पता नहीं कितने रिश्ते तो यूं ही छूट गए। चलो भगवान करे इस साल ये होली का त्यौहार सबकी ज़िंदगी में नए नए रंग भर कर लेकर आए। और जैसी सोच तेरी हुई है ना बेटा, ऐसी सोच हर बहन बेटी की, हर माँ की, हर सास की हो जाए।